નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ ઓલ? સ્ટાન્ડર્ડ 4 સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ, યુનિટ 9, લાયન ધ કિંગ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ, યાની જંગલ કા રાજા. તો યહાં પે હમે એક્ટિવિટી 1 દી ગઈ હૈ. કેન યુ નેમ ધ એનિમલ્સ ઇન ધ પિક્ચર્સ ગિવન બિલો? क्या आप नीचे दिए गए हुए एनिमल्स के नेम लिख सकते हो? टेल योर क्लासमेट्स एंड टीचर विच इज योर फेवरेट एनिमल्स एंड वेयर हैव यू सीन देम. इनमें से आप सब आपका फेवरेट एनिमल्स कौन सा है और आपने उसे कहाँ देखा है? सो फर्स्ट पिक्चर है लायन, आप सब देख सकते हो. यस, दिस इज द लायन. सो हम फर्स्ट पिक्चर के नीचे लिखेंगे LION, लायन. सेकंड पिक्चर हमको दिया गया है टाइगर की. यस, सो आप देख सकते हो टाइगर. तो हम सेकंड पिक्चर के नीचे क्या लिखेंगे? टाइगर, TIGER. थर्ड पिक्चर है यस पिकॉक. तो हम थर्ड पिक्चर के नीचे लिखेंगे पिकॉक. नंबर 4 यस आउ. नंबर 5 मगर. आप सबको डर लगता है ना? यस. क्या लिखेंगे? क्रोकोडाइल. नंबर सिक्स पे दिया गया है डियर, आप सब देख सकते हो. यस, तो नंबर 6 में हम लिखेंगे डियर. उसके बाद हमको एक सांप दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका नाम क्या है? यस, कोबरा. उसके बाद चित्ता, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, लेपर्ड. उसके बाद चमगादड़, यानी यस बैट. तो यहाँ पे लास्ट रैंक में हमको एक अजगर दिया गया, यानी कि बिग स्नेक. उसका नाम क्या है? पाइथन. एंड लास्ट पिक्चर आप सब देख सकते हो बियर. यस, तो ये सारे हुए एनिमल्स और बर्ड्स के नेम. तो यहां हमें हमारी एक्टिविटी 1 कंप्लीट होती है. तो नेक्स्ट पेज में हमें एक बॉक्स दिया गया है डिफरेंस बिटवीन नॉक्टर्नल एंड डाइनल एनिमल्स. हमें नॉक्टर्नल और डाइनल एनिमल्स का डिफरेंस बताया गया है. नॉक्टर्नल एनिमल्स डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे. नॉक्टर्न एनिमल्स क्या होते हैं? वो अपनी सारी एक्टिविटी रात को करते हैं और दिन में वो सो जाते हैं. डाइनल एनिमल्स डू अ लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप एट नाइट. वो इंसान की तरह होते जो अपनी सारी एक्टिविटी दिन में करते हैं और रात को सो जाते हैं. मम्मल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रिप्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइनल एनिमल्स. यहाँ पे डाइनल एनिमल्स के हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं.
इंसेक्ट, मॉमल्स, बर्ड्स और अभी नॉक्टर्नल के एग्जांपल्स हम देखते हैं, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बैट्स, आउल्स, कैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें इसका डिफरेंट बताया गया है और दोनों के बारे में दोनों के एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो एक्टिविटी टू, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर स्टूडेंट्स। हमने नॉक्टर्नल और डाइनल एनिमल्स का डिफरेंस देखा। अब हमें एक्टिविटी वन के जो पिक्चर्स दिए गए हो उसे ऑब्जर्व करना है और एक्टिविटी टू में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके हम आंसर देखते हैं। सो क्वेश्चन वन, विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर आर नॉक्टर्नल। इनमें से कौन से एनिमल्स नॉक्टर्नल है? तो उसका आंसर आएगा लायन, टाइगर, आउल, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, बैट एंड बियर आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो ये सारे एनिमल्स जो एक्टिविटी वन के पिक्चर्स में है वो नॉक्टर्नल एनिमल होंगे। नंबर टू, विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर्स आर डाइनल। तो जो हमने नॉक्टर्नल पिक्चर्स लिखे और बाकी बचे जो सारे पिक्चर्स है, बाकी बचे जो सारे एनिमल्स है उसे हम डाइनल एनिमल बोलेंगे। पीकॉक, डियर, कोबरा एंड पाइथन आर डाइनल एनिमल्स। नंबर थ्री, विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर्स लीव ऑन लैंड। इनमें से कौन से एनिमल्स लीव ऑन लैंड यानी कि जमीन पर रहते हैं? सो द आंसर इज लायन, टाइगर, आउल, लेपर्ड, बैट यानी चमगादड़, बियर, पिकॉक एंड डियर लीव ऑन लैंड। तो ये सारे एनिमल्स जमीन पे रहते हैं। क्वेश्चन फोर, विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर लिव इन वाटर। एनिमल्स में, सॉरी, इस पिक्चर्स में कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ वाटर, सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं? आंसर इज क्रोकोडाइल्स लिव इन वाटर। सिर्फ क्रोकोडाइल ही ऐसा एक एनिमल है जो पानी में रह सकता है। नंबर फाइव, विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। इस पिक्चर्स में कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो बोथ कैन लिव बोथ यानी दोनों में रह सकते हैं, जमीन के ऊपर भी और पानी के अंदर भी? तो द आंसर इज क्रोकोडाइल, कोबरा एंड पाइथन कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल, कोबरा और पाइथन तीन ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। एक्टिविटी थ्री, नेम अ फ्यू अदर एनिमल्स दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इन दिस टेबल, डिस्कस देयर हैबिटेट विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट एनिमल्स दिए गए हैं। फर्स्ट नॉक्टर्नल एनिमल्स, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है बैट। उसके नीचे हम चीता, कैट, फॉक्स, कांगारू, रैट, फ्रॉग एंड हिपोमोटेमस। सेकंड कॉलम में डाइनल, उसमें जिब्रा एक हमको एग्जाम्पल दिया गया है, एलिफेंट, डॉग, चिंपांजी जैसे सारे एनिमल्स हम लिख सकते हैं। थर्ड कॉलम इज ऑन लैंड, जो एनिमल्स जमीन पे रहते हैं यानी टाइगर, जिराफ, रैबिट, फॉक्स ऐसे कई एनिमल्स हम लिख सकते हैं। फोर्थ कॉलम इन वाटर, फिश, वेल, शार्क, सी हॉर्स जैसे कई सारे एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं। फिफ्थ कॉलम लैंड एंड वाटर, फ्रॉग, डक, पिंजन, टर्टल, क्रोकोडाइल्स जैसे कई सारे एनिमल्स लैंड
और वाटर दोनों में रह सकते हैं। तो ऐसे हम पूरा बॉक्स एक्टिविटी 3 का कंप्लीट करेंगे। वी हैड कंप्लीट एक्टिविटी 1, 2 और 3, सो वी विल लर्न एक्टिविटी 4। रीड द पोयम अलाउड एंड एंजॉय द रोर ऑफ द लायन। हमें यहाँ पे लायन की पोयम दी गई है जो हमें रीड करनी है और एंजॉय करना है। ट्राई टू इमिटेट द रोर ऑफ द लायन विथ योर क्लासमेट्स। आप शेर की दहाड़ जो उसकी गर्जना होती है, रोर होता है, उसे ट्राई कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट अ लायंस रोर। They say a lion's roar can be heard 5 miles away. वे कहते हैं, यानी लोग कहते हैं कि lion's roar, यानी शेर की दहाड़ हम 5 miles, यानी 5 मील दूरी तक सुन सकते हैं। Therefore, if you wake up one night, इसीलिए यदि आप एक रात जाग रहे हो, And you hear a lion's roar, और आपको शेर की दहाड़ सुनाई दे, which is completely different from the old man's snore, कि जो बूढ़े आदमी के स्नोर यानी खर्राटे, बूढ़े आदमी के खर्राटे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। Don't panic, the lion could be at least 5 miles away. घबराओ नहीं, क्योंकि शेर आपसे 5 मील की दूरी पे है। Maybe you should panic, the lion could actually be only 5 minutes away. आपको घबराना भी चाहिए, क्योंकि लायन आपसे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। पहले बोला है घबराओ नहीं, लायन आपसे 5 मील यानी 5 मील की दूरी पे है, फिर बोला है आपको घबराना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि लायन सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, वो 5 मिनट में ही आपके पास पहुंच सकता है। तो ये थी एक ब्यूटीफुल पोयम जो लायंस रोर, जो शेर के दहाड़ पे की गई थी। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 4 कंप्लीट होती है। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 5। मैच द साउंड ए विथ एन एनिमल बी एंड कंप्लीट द सेंटेंस। हमें यहाँ पे साउंड्स दिए गए हैं और सामने एनिमल्स दिए गए हैं जो हमें मैच इट करने होंगे। नंबर 1, ए का सेज मू। काउस मू साउंड निकालती है। सो नंबर 1 आंसर इज बी। नंबर 2, अफ्रोग सेज रिबिट। फ्रॉग का साउंड रिबिट रिबिट, यस। तो नंबर 2 में आंसर आएगा ए। नंबर 3, स्पैरो सेज ट्विट ट्विट। स्पैरो कैसे आवाज निकालते हैं? ट्विट ट्विट, यस। तो नंबर 3 में आंसर आएगा जी। नंबर 4, अ डग सेज क्विक क्विक। डग का आवाज कैसा होता है? क्विक क्विक, यस। तो नंबर 4 में आंसर आएगा ई। नंबर 5, अ पिग सेज ओइंग। तो नंबर 5 में आंसर आएगा डी। नंबर 6, अ शिप सेज बाबा। शिप कैसे आवाज निकालते हैं? यस, बाबा। तो नंबर 6 में आंसर आएगा सी। नंबर 7, अ हॉर्स नेक। नंबर 7 में आंसर आएगा एफ। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 5 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।